पेपर में धांधली के आरोप लगे हैं, 1563 बच्चे दोबारा पेपर दे रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं? देखिए ये तो ये मामला भी आ चुका है कि भाई ये पेपर लीक भी हुआ था, तो इसके भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो ऐसे में सभी बच्चों के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो मैं समझता हूँ गंभीर प्रश्न है। ऐसा लगता है कि सबके साथ न्याय नहीं भी हो रहा, सरकार शॉर्टकट के चक्कर में बहुत बच्चों के साथ उनको न्याय से वंचित रख रही है। दिल्ली जन संकट को देखते हैं, दिल्ली जन संकट है, पानी की ज्यादा कमी है, हिमाचल में आज ये हरियाणा के अंदर बिजली और पानी का संकट जो बना है, आज उसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। 10 साल में इस मौजूदा सरकार ने हरियाणा की बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक भी कोई थर्मल का कारखाना नहीं लगाया, एक भी कोई नया यूनिट हरियाणा में, जो जितनी कैपेसिटी हमारे समय हम 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी हरियाणा के अंदर जो उस समय की जो कैपेसिटी थी, आज उसमें एक भी यूनिट का इजाफा इस सरकार ने नहीं किया, ना कोई थर कारखाने लगा। आपको ये याद होगा उदा सरकार में 5 बिजली के पैदा के करने के कारखाने लगाए गए, 4 थर्मल कानपुर झाड़ली हिसार में खेदड़ और यमुनानगर और एक परमाणु, लेकिन 10 साल से सरकार सोई हुई बैठी रही, इनमें किसी भी क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन बिजली और पानी की समस्या के समाधान के लिए इसीलिए कारण आज पूरा हरियाणा दोबारा से बिजली की संकट से हरियाणा की जनता को झेलना पड़ रहा है। आप हरियाणा की बात करें, दिल्ली में किस तरह देखते हैं? हम तो हरियाणा की बात क्यों नहीं करेंगे, हरियाणा की करेंगे पहले। आप दिल्ली में दिल्ली की बात आप पहले करें तो आप दिल्ली जाए, हम तो हरियाणा के हैं और हम हरियाणा के अपने हरियाणा वासियों की बात पहले करें। योजना को लेकर आपने एक बड़ा ऐलान किया है, मोदी जी ने जो सेना टैक्स को तीसरी रो में बिठाया, तीसरी नहीं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और हमारी नेवी के अध्यक्ष जी, इन चारों को छठी रो में बिठाने का काम इस सरकार ने किया, और दूसरी पंक्ति में बड़े बड़े उद्योगपति अदानी अंबानी सरीखे उद्योगपति और एक्टर फिल्म एक्टरों को बिठाने का काम किया, जो कि एक ना सिर्फ आपत्तिजनक है लेकिन इसकी हम ना सिर्फ निंदा करते हैं लेकिन सरकार से जवाब भी मांगते हैं कि क्या यही देश की सेना का सम्मान है कि उद्योगपति आगे बैठेंगे प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में, फिल्म एक्टर आगे बैठेंगे, अभिनेता आगे बैठेंगे और हमारी थल जल और वायु सेना के अध्यक्ष उनसे पीछे बैठेंगे, क्या यही देश की सेना का सम्मान है, क्या यही देशभक्ति है? ये जय जवान जय किसान का देश है, इसको जय धनवान का देश हम नहीं बनने देंगे। इस संसद के सत्र में ये मुद्दा मैं उठाने का काम करूंगा। अग्निवीर योजना किस तरह देखना पड़ेगा? अग्निवीर योजना को मैं किसी भी तरीके से नहीं देखता, उसका अग्निवीर योजना को हम गलत मानते हैं, ये हम स्पष्ट है, हमारे योजना पत्र में भी यही था, अग्निवीर योजना वापिस हो, फौज की पक्की भर्ती दोबारा शुरू हो, इसको लेकर पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन ने सरकार पर दबाव बनाया। सोशल मीडिया पर 7 साल का जो है ऐलान जो है वो वायरल हो रहा है, 7 साल कर दिया गया अग्निवीर। देखिए अभी इस जनादेश के दबाव में सरकार अग्निवीर योजना को लेकर आत्ममंथन के मोड में गई हुई है, लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आत्ममंथन की इसमें जरूरत नहीं, ना तो ये देश की सेना के हक में, ना देश के नौजवान के हक में, ना देश की सुरक्षा के हक में, और इसीलिए ना ये देश के हक में। पक्की भर्ती से नियुक्त की गई फौज ने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखा, चाहे सरकारें किसी भी दल की हों। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम बांग्लादेश और पाकिस्तान दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदलने का काम इसी पक्की भर्ती से नियुक्त सेना ने किया था। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो एनडीए सरकार के समय करगिल के अंदर पाकिस्तान का सर झुकाने का काम इस सरकार ने किया, इसी सेना ने किया था। तो ये सेना ये एक ऐसी सेना है जिसने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा है, देश का मान सम्मान रखा है, तो ऐसी क्या जरूरत थी, किसने सुझाव दिया था, इनके घोषणा पत्र में भी नहीं था, ये अग्निपथ कच्ची भर्ती क्यों लेके आए? सरकार इस पर जवाब दे, इस योजना को वापस लेके पक्की भर्ती शुरू करे, सरकार स्वयं करे तो अच्छी बात है, नहीं तो सदन में संपूर्ण विपक्ष इस पे हम दबाव बनाने का काम करें। लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, विधानसभा की तैयारी किस तरह से? विधानसभा में तैयारी नहीं है, संपूर्ण तैयारी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा में हुई हाफ, विधानसभा चुनाव में भाजपा को करेंगे साफ, ये हमारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा इसमें।
थोड़ा सा ये देखें गठबंधन पर, मैं सब गठबंधन